हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, कंप्लीट द टेबल। ये जो हमें टेबल दे रखी है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। कैसे करना है? जैसे कि 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ जो आंसर आएगा यहाँ फिल करना है। -5y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आंसर है वो यहाँ फिल करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करने के लिए साइड में नीचे अलग से ये जो पूरी लाइन दे रखी है मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 2x के साथ करना है। तो सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 2x। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? पहले पहले नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। और जो बात आती है वेरिएबल की, वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करना है? जब मल्टीप्लाई में होगा और वेरिएबल सेम होते हैं, पावर जुड़ती है। पावर एक और एक कितनी हुई? 2। 5 2 10। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, दोनों सेम नहीं है, दोनों का एज इट इज़ उतार दो। 3 2 6। पावर 2 है, पावर 1 है, पावर कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरीके से ये माइनस का, इसमें निशान नहीं है तो ये प्लस का होगा। 4 2 8। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर हुई 2। वाई का वाई एज इट इज़ आ जाएगा। 7 2 14। पावर 2, पावर 1, पावर 3 होगी। वाई का वाई एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 2 18। पावर 2, पावर 1, पावर 3, वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट हुआ वो ये हुआ। अब मैंने क्या किया है कि इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई किससे किया? 2x के साथ। तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरी आंसर आए हैं, इन आंसर को मैं इस टेबल के अंदर यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कितना है, 4x2। यहाँ मैंने 4x2 लिखा। चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट आपको आसानी से और अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको प्रोडक्ट करके दिखाया है आपको, ठीक है। कितना आया? माइनस का 10xy, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस का 10xy। कितना है? 6x3। ये 6x3 आ गया। अगला है हमारा, तो ये हमारा आया 6x3। अगला है माइनस का 8x2y। फिर अगला हमारा आया 14x3, x3y। फिर ये हमारा 18x3y2। कर दिया। इसके बाद देखो इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? माइनस के 5y के साथ। तो मैंने यहाँ पे नीचे नोट करा, पूरी लाइन है, सबको मल्टीप्लाई करना माइनस के 5y के साथ। तो जिसके आगे निशान है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10। एक्स वाई है एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस प्लस, 5 5 25। वाई है, वाई है, पावर 1, पावर 1, पावर होगी 2। 5 3 15। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, पावर 2, ये आ गया। वाई का वाई निकल गया, आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 5 20। पावर 1 है, एक्स आ गया, पावर 1, पावर 1, पावर 2 आ गई। 7 5 35। x2 है, मैंने यहाँ लिख दिया। पावर 1, पावर 1, पावर कितनी आ गई? 2। 9 5 45। माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस। x2 है, x2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर होगी 3। ये जो पूरी लाइन आ गई हमारी, एज़ वेल एज़ मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो मेरे ये आंसर आए थे, इन सभी आंसरों को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये पूरी लाइन है, इसे मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 3x2 के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3x2 लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ गया। पावर 2, पावर 1, पावर कितनी होगी? 3। वेरिएबल सेम होंगे, पावर जुड़ेंगी। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 3 5 15। यहाँ पे आया हमारा x2। वाई है तो वाई एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3 9। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, पावर होगी 4। यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 12। एक्स आया, पावर 1, पावर 2, पावर 3 होगी। वाई हमारा, वाई एज इट इज़ आ गया। 7 3 21। पावर 2, पावर 2, पावर 4 आ गया। वाई का वाई निकल के आ गया। 9 3 27। माइनस प्लस माइनस आ गया, पावर 2, पावर 2, पावर होगी 4। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया। तो ये जो मेरी लाइन आई है, इस पूरी लाइन को यहाँ पर हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक। तो स्टूडेंट, इस पूरी लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ पर नोट कर दिया है। अब 2x, ये वाली पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 4 माइनस के 4xy के साथ करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 4 2 8। पावर 1, पावर 1, पावर होगी 2। वाई का वाई मेरा एज इट इज़ आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 20।
एक्स है, एक्स आ गया एज इट इज़ हमारा, यहाँ पर पावर एक, पावर एक वाई की पावर होगी दो, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, एक्स की पावर दो, एक्स की पावर एक, पावर होगी तीन, वाई का वाई हमारा एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, पावर एक और एक कितनी हुई दो, वाई का वाई एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस, 7 4 20, पावर दो, पावर एक, पावर तीन होगी, पावर एक, पावर एक, पावर दो हो गई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 9 4 36, पावर दो, पावर एक, पावर हो गई तीन, पावर दो, पावर एक, पावर हो गई तीन। ठीक है, तो ये लाइन आई है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो इसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमारी अगली लाइन होगी, इस पूरी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7x2y के साथ, तो यहाँ पर मैंने नोट करा हुआ है, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, ठीक, पावर एक, पावर दो, पावर हुई तीन, वाई का वाई आ गया, प्लस माइनस माइनस, 7 5 35, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया, पावर एक, पावर एक, पावर हुई हमारी दो, 7 3 21, पावर दो, पावर दो, पावर हुई चार, वाई का वाई आ गया, 7 4 28, प्लस माइनस माइनस, एक्स आ गया, पावर एक है, पावर दो है, पावर होगी तीन, पावर एक है, पावर एक, पावर हो गई दो, 7 7 49, पावर दो और दो कितनी हुई चार, पावर एक और एक कितनी हुई दो, 9 7 63, पावर दो और दो चार हुई, दो और एक ये कितनी होगी तीन होगी। ठीक है, लगे हाथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारी पूरी लाइन है, इसको मल्टीप्लाई करना 9x2y2 के साथ, ये मैंने नीचे नोट करा हुआ है। ठीक है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 2 18, पावर एक और दो तीन हुई, वाई स्क्वेयर का वाई स्क्वेयर आया, माइनस माइनस प्लस, 9 5 45, एक्स स्क्वेयर का मेरा, तो 9 5 45, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया, पावर एक, पावर दो, पावर होगी तीन, 9 3 27, माइनस प्लस माइनस, पावर दो और दो कितनी हुई चार, वाई स्क्वेयर का वाई स्क्वेयर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 4 36, पावर एक और दो तीन हो गई, पावर एक और दो तीन हो गई, 7 9 63, पावर दो और दो चार हो गई, पावर एक और दो तीन हो गई, 9 9 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, पावर दो और दो चार, पावर दो और दो चार, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और इसी के साथ स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।